वेलकम टेक्निकल इन्फॉर्मेशन। क्या आप भी रेडमी डिवाइस यूज करते हैं? क्या आप भी जानते हैं कि सेकेंड स्पेस क्या होता है? अगर नहीं तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस लेके आता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि Xiaomi डिवाइस में या और भी कई कंपनियां हैं जो अपने डिवाइस में सेकेंड स्पेस का फीचर दिया करती है। तो आज मैं आप लोगों को Redmi डिवाइस यानी Redmi Note 3 में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि सेकेंड स्पेस कैसे होता है और कैसे उसे हम लोग यूज कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले आप अपने मोबाइल की सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जाने के बाद आप थोड़ा सा नीचे जाइए और आप देख सकते हैं यहाँ पर सेकेंड स्पेस। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो इसका कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो आप यहाँ पर पढ़ लीजिए, आप एकदम सिक्योर है इसको यूज करने के लिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने फोटोज एप्स और जितने भी डेटा है वो सारे चीजें इसमें आप रख सकते हैं और इसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसे ऑन करके देखते हैं कि कैसे ये ऑन होता है। तो यहाँ पर नीचे जो हम लोगों को दिखा है टर्न ऑन सेकंड स्पेस, इस पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि स्विचिंग यानी स्विच हो रहा है हमारा सेकंड स्पेस और ऐसे खुलेगा। तो यहाँ पर लिखा है क्रिएट सक्सेसफुल और यहाँ पर देख सकते हैं कंटिन्यू लिखा है। तो कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हमारा स्विच बिटवीन स्पेस यहाँ पर दो चीजें बता रहा है, यूजिंग ए पासवर्ड Using a shortcut। तो आप लोग इसमें से चूज कर लीजिए कि आप लोगों को जो सेकेंड स्पेस यूज करने वाले हैं उसमें कोई पासवर्ड डालना चाहते हैं या नहीं। अगर डालना चाहते हैं तब तो ठीक है, ये यूजिंग पासवर्ड पे रहने दीजिए। अगर नहीं डालना चाहते हैं तो ये शॉर्टकट में टैप कर शॉर्टकट ले सकते हैं। तो मैं फिलहाल पासवर्ड यूज करने वाला हूँ तो यहाँ पर पासवर्ड पे रहने देता हूँ और इसे कंटिन्यू करता हूँ। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे आप यहाँ पर आपको दिखाएगा सेट पासवर्ड। तो यहाँ पर सेट नाउ पर क्लिक कीजिए और उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है हमसे कंफर्म फर्स्ट स्पेस पासवर्ड। तो जो भी हमारा फर्स्ट स्पेस का पासवर्ड है, पैटर्न है, उससे आप यहाँ पर डाल दीजिए। जैसे कि मैं अभी डाल दिया। अब यहाँ पर हम लोगों को बोल रहा है कि यहाँ पर अपना सेकेंड स्पेस का जो पैटर्न लगाना चाहते हैं वो यहाँ पर लगा सकते हैं। तो जैसे कि मैं अभी लगा दिया एक बार और, तो ये लग चुका है और यहाँ पर कंफर्म कर दीजिए। तो जैसे ही यहाँ पर कंफर्म करेंगे तो अब आपको बोलेगा ये सेट फिंगरप्रिंट। तो यहाँ पर आपको अगर फिंगरप्रिंट चाहिए सेट करने के लिए तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप यहां से एस्केप कर सकते हैं। तो ये रहा सेकेंड स्पेस Redmi Note 3 में। तो आप देख सकते हैं कि सेकेंड स्पेस काफी अच्छे तरीके से यहां पर सेटअप होके और स्विच होके यहां पर क्रिएट होके आ चुका है। तो हम लोग यहां पर जो चीजें करेंगे वो हमारा सेकेंड स्पेस में ही रहने वाला है। अब यहां पर चाहे आप अपने फोटो को खींच के रखें या मूवी डाउनलोड करके रखें या कोई भी डेटा डाउनलोड करके या यहाँ पर रख सकते हैं और इसे कोई भी नहीं जान पाएगा। जी हाँ, कोई भी नहीं जान पाएगा इसे कि आपने क्या आपने मोबाइल फोन में रखा है। इसे यूज करने का ये फायदा है कि आप अपने सेकेंड स्पेस में जो भी आपका फोटोस है, पर्सनल फोटोस है, पर्सनल डेटा है, वो यहाँ पर रख सकते हैं और फर्स्ट स्पेस है उसमें जाके आप किसी और को बता सकते हैं उसका पासवर्ड और इसका पासवर्ड आप अपने लिए पर्सनल यूज कर सकते हैं। तो ये सेकंड स्पेस यही है, पर्सनल यूज कर सकते हैं और फर्स्ट स्पेस है उसे आप दूसरों को उसका पासवर्ड बता देने से भी आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। जैसे होता ये है कि
हमारे घरों में काफी बच्चे रहते हैं और उन लोगों को गेम वेम खेलने के बहुत दिल करता है, तो हमारा मोबाइल ले लेते हैं वो लोग और गेम खेलना चालू कर देते हैं। और ऐसे क्या होता है कि हमारा जो डेटा होते हैं उसको वो लोग कभी कभी खेलते खेलते डिलीट भी कर देते हैं, या कोई और चीज़ें, कोई ऐप्स हो गया जिसे हम लोग इंस्टॉल करके रखते हैं और वो लोग उसे डिलीट कर देते हैं और काफ़ी सारे नुकसान पहुंचाते हैं हमारे डेटास को। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप लोगों को ये सेकेंड स्पेस यूज़ करना चाहिए और सेकेंड स्पेस में अपना डेटास जो भी है पर्सनल डेटा यहाँ पर रख सकते हैं, और इसका पासवर्ड आप खुद रखिए, किसी को बहुत बताइए मत कि इसका क्या पासवर्ड है। आप यहाँ से पासवर्ड इसका चेंज कर सकते हैं और नया पासवर्ड लगा सकते हैं, तो पासवर्ड आप खुद खोल सकते हैं और जो पासवर्ड आपका फर्स्ट स्टॉप स्पेस का रहेगा वो कोई भी खोल सकता है, उससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, वो सेकेंड स्पेस पे नहीं आ सकता जब तक पासवर्ड नहीं डाल लेगा। तो यहाँ पर अब हमारा सेकेंड स्पेस क्रिएट हो चुका है, अब हमको फर्स्ट स्पेस पे जाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पे स्विच का एक आइकन बना हुआ है, तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे एंटर पासवर्ड पर क्लिक कीजिए और उसके बाद अपना जो फर्स्ट स्पेस का जो पैटर्न लगाए हैं, जो पासवर्ड लगाए हैं वो यहाँ पर डाल दीजिए। जैसे कि मेरा ये फर्स्ट स्पेस का पासवर्ड डाल दिया और ये देखिए हमारा जो फर्स्ट स्पेस है वो एकदम रेडी हो गया। अब हम इसे यूज़ कर सकते हैं फर्स्ट स्पेस का, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है इसमें दिया गया है, आप भी ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, पसंद आया अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।